उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अब जिस भौगोलिक परिक्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है उसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के घर का आंगन भी है। आप उसको समाजवादी पार्टी का के प्रभाव वाला इलाका कह सकते हैं, आप उसको मुलायम सिंह के वर्चस्व वाला इलाका कह सकते हैं, आप उसको अखिलेश यादव का एक मजबूत इलाका कह सकते हैं, लेकिन अब उस पट्टी में चुनाव आ गया। एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, ये जो इलाका है ये वो इलाका है जिसको मुलायम सिंह ने सींचा। बहुत ज्यादा नहीं तो भी मान लीजिए कि 1967 में मुलायम सिंह पहली बार विधायक हो गए थे जसवंत नगर से, तो 67 से तो समझ ही लीजिए उस इलाके में मुलायम सिंह ने अपना एक कद बनाना शुरू कर दिया था। तब से लेके आज तक की एक यात्रा है यादव परिवार की। अब इस बार इस चुनाव में इस यादव पट्टी में अखिलेश यादव ने एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण प्रयोग किया है। इस प्रयोग का नतीजा क्या रहेगा ये 4 जून को पता लगेगा। प्रयोग ये कि मुलायम सिंह जी के समय से समाजवादी पार्टी अब तक MY के M और Y के 2 पिलर्स पर टिकी हुई पार्टी मानी जाती थी। M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव। मुस्लिम और यादवों के आधार और शक्ति पर केंद्रित पार्टी। इस बार अखिलेश यादव ने जो टिकटों का बंटवारा किया है उसमें उन्होंने बड़ा प्रयोग किया है। यादवों में अखिलेश यादव ने केवल परिवार के लोगों को ही मैदान में उतारा। मोटे परिवार से इतर यादवों को टिकट देकर मैदान में उतारने के मोह से अखिलेश यादव ने इस बार खुद को अलग रखा। वो खुद मैदान में, शिवपाल सिंह यादव का बेटा मैदान में, रामगोपाल यादव का बेटा मैदान में, डिंपल यादव मैदान में, धर्मेंद्र मैदान में, तेज प्रताप मैदान में, ये परिवार के लोग। लेकिन बाकी सीटों पर उन्होंने यादवों को महत्व नहीं। वैसे ही मुस्लिम 2022 में जिस ढंग से विधानसभा के चुनाव में मुस्लिमों ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ अपने को जोड़ा था, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए थे और माना जाए बाद में जो आकलन हुआ उसके अनुसार करीब 82% मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश का अकेले सपा को मिला था, उस सब के बाद भी अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम चेहरों पर बहुत दाव नहीं। उन्होंने इस बात से सब प्रयास बचाव रखा है। मैं परहेज शब्द का इस्तेमाल तो नहीं भी करूं लेकिन बचाव रखा है कि भाई अनावश्यक हर जगह मुसलमान खड़ा मत करो। यानी अर्थ क्या निकला, M और Y में वो परिवार के दबाव में तो रहे कि भाई परिवार के लोग हैं वे तो लड़ेंगे, अन्यथा Y को उन्होंने टिकट बंटवारे में तरजीह नहीं दी और M को भी नहीं दी। इससे पहले समाजवादी पार्टी जितने भी चुनाव लड़ती रही है मुलायम सिंह जी के समय से लेकर अखिलेश जी के समय तक, उन सब में M और Y का वर्चस्व रहता था। Y घर के भी रहते थे लेकिन Y बाहर वाले Y भी खूब रहते थे, बाहर के यादव भी खूब टिकट पाते थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने इन दोनों से बचने की कोशिश की और इनको कम टिकट देकर, इनको कम प्रतिनिधित्व देकर अखिलेश यादव ने जो सीटें बचाई उनको वो ले गए अति पिछड़ों की ओर, अन्य पिछड़ों की ओर, अदर देन यादव, कुर्मियों पर उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की।
और दूसरी पिछली जातियां हैं जिन पर प्रयोग करने की कोशिश की। अब इसकी भी नपाई, इस प्रयोग का मेजरमेंट, चुनाव की चौसर पर ये प्रयोग कहां तक सही उतरा है, खरा उतरा है, कहां खरा अच्छा है, कहां खराब है, इसकी नपाई पैमाइश सब कुछ 4 जून को हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव के अब तक के पॉलिटिकल करियर का ये एक बड़ा प्रयोग है। गठबंधन जब आप किसी पार्टी से करते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा प्रयोग नहीं होता, वो दो नेता बैठे अपनी बात कर ली, ठीक है, जब तक मन मिला साथ चले नहीं अलग अलग हो गए। लेकिन जब आप सामाजिक संरचना में नया प्रयोग करते हैं, पार्टी के जनाधार को 360 डिग्री पर घुमाने की कोशिश करते हैं, और खासतौर पर जन्म पार्टी के जन्म से लेकर अब तक जो एक कोर स्ट्रेंथ रही हो पार्टी की एम और वाई की, उसमें उन खंभों को जब आप हिलाते हैं डुलाते हैं, थोड़ा वहां फ्लक्चुएशन पैदा होता है, वो प्रयोग बड़ा होता है, खतरनाक भी होता है। जितना बड़ा प्रयोग उतना बड़ा जोखिम। अगर अखिलेश यादव लोकसभा के इस चुनाव में नतीजे बताते कि अखिलेश यादव की पार्टी का जनाधार बढ़ गया, गैर यादव पिछड़े भी उनके पीछे लामबंद होने लगे, और एक एक्टिव प्रो मुस्लिम अप्रोच के कारण जो वर्ग सपा को वोट नहीं करता था इस बार वो भी वोट करने लगा, चूंकि मुसलमानों को बहुत ज्यादा टिकट नहीं दी अखिलेश यादव ने, अगर ऐसा हो जाए तो माना जाएगा अखिलेश यादव का प्रयोग सफल रहा। लेकिन अगर अन्य वर्ग जुड़े नहीं और ये मूल वर्ग एम और वाई नाराज हो गए आपसे, तो माना जाएगा अखिलेश यादव का प्रयोग भरभराकर जमीन पर बैठ गया। आप देख रहे हो कि कई मुस्लिम विश्लेषक इस ढंग की टिप्पणियां भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद और सबसे समर्पित वोट बैंक को उपेक्षित किया है इस बार मुसलमानों को, और उनकी जो हिस्सेदारी है वोट में समाज में उसके अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब देखना ये कि चुनाव अब जिस पट्टी में आया है उत्तर प्रदेश की, उस पट्टी में अखिलेश यादव के इस प्रयोग की परीक्षा हो जाएगी कि मुस्लिम और यादवों की ही पार्टी है समाजवादी पार्टी, इस धारणा को तोड़ने की अखिलेश यादव ने जो कोशिश की है वह कोशिश कितनी कारगर हो रही है, वो कोशिश अखिलेश यादव के लिए सकारात्मक साबित होगी, वो कोशिश अखिलेश यादव की पार्टी के लिए नकारात्मक साबित होगी, दोनों तरफ के दरवाजे खुले हुए, संभावनाओं के द्वार दोनों तरफ खुले हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। बड़ा प्रयोग है इसलिए जोखिम भी बड़ा है। उनका कोर वोट यादव और मुस्लिम है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता सपा का, और उसके साथ प्रयोग करने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। अब देखना होगा कि इस बड़े राजनीतिक जोखिम भरे प्रयोग का परिणाम क्या रहता है। जो भी नतीजा आएगा वो अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर को प्रभावित करेगा, समाजवादी पार्टी की शक्ति और सामर्थ्य और हैसियत को प्रभावित करेगा, इसलिए इस प्रयोग पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। धन्यवाद।